जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है, पुतिन परमाणु हमले की धमकी देते रहे हैं। लेकिन अब पुतिन का वो हथियार दुनिया के सामने आया है जो जमीन ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष कक्ष में तबाही मचा सकता है। यानी अब पुतिन का एक क्लिक और दुनिया से लेकर अंतरिक्ष तक कांप उठेगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृतिका चावला और आप देख रहे हैं TV9 Digital। आज हमारी ये वीडियो किसी परमाणु हथियार पर नहीं है बल्कि उस हथियार पर है जो धरती से पल भर में अंतरिक्ष में तबाही मचा सकता है। रूस का ये वो हथियार है जिसके बारे में खुलासे के बाद सुपर पावर अमेरिका के साथ साथ पूरा यूरोप दहशत में है। दरअसल रूस एक ऐसा लेजर वेपन तैयार कर रहा है जो अंतरिक्ष में मौजूद उसके सैटेलाइट्स को दुनिया की नजरों से छिपाने का काम करेगा और साथ ही ये हथियार धरती से ही पल भर में किसी भी देश के सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। स्पेस रिव्यू में आई रिपोर्ट में इस हथियार को लेकर जानकारी दुनिया के सामने आई है। रिपोर्ट की माने तो इस हथियार को बनाने का आइडिया बस यही है कि देश की जासूसी सैटेलाइट के ऑप्टिकल सेंसर्स को लेजर लाइट से कवर किया जा सके। लेजर टेक्नोलॉजी अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कई देश इसकी मदद से सैटेलाइट को कवर करना बेहतर मानने लगे हैं। अगर रूस की सरकार इस तरह का हथियार बनाने में सक्षम हो जाती है तो फिर वो देश के एक बड़े हिस्से को ऑप्टिकल सेंसर्स वाले सैटेलाइट्स की नजरों से बचा सकेगी। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी की मदद से आने वाले समय में ऐसे लेजर हथियार तैनात किए जा सकेंगे जिसकी मदद से सैटेलाइट्स को पूरी तरह से अक्षम किया जा सकेगा। पहली लेजर को साल 1960 में विकसित किया गया था और तब से लेकर आज तक इसे कई तरह से प्रयोग किया जा चुका है। लेजर की मिलिट्री में ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। इसका सबसे अच्छा प्रयोग एयरबॉर्न लेजर है जिसे अमेरिका मिलिट्री ने शामिल किया था। अमेरिकी मिलिट्री ने इसकी मदद से कई बैलिस्टिक मिसाइल को ढेर किया था। ABL बोइंग 747 पर बड़े पैमाने पर फिट की गई है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस प्रोग्राम को थर्मल मैनेजमेंट और केमिकल लेजर के रखरखाव के चलते बंद कर दिया गया था। रूस जो लेजर हथियार तैयार कर रहा है उसे कलेना नाम दिया गया है। इसका मकसद उन सैटेलाइट्स के ऑप्टिकल सेंसर्स को पूरी तरह से अंधा कर देना है जो इंटेलिजेंस के मकसद से तैनात किए गए हैं। जासूसी के लिए प्रयोग होने वाले सैटेलाइट्स में ऐसे ऑप्टिकल सेंसर्स का प्रयोग होता है जो लो अर्थ ऑर्बिट होते हैं और धरती से कुछ सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। ऑप्टिकल सेंसर्स की मदद से इन सैटेलाइट को कई खास इंटेलिजेंस ग्राउंड स्टाफ तक पहुंचाने में कुछ ही मिनटों का समय लगता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।